दोस्तों वीवो ने आज इंडिया में अपने न्यू स्मार्टफोन वीवो वाई 200 प्रो 5G को लॉन्च कर दिया है। लॉन्च क्यों करा है मुझे नहीं पता, क्या सोचकर लॉन्च करा है मुझे नहीं पता, और मैं आपको ये स्मार्टफोन लेने से क्लियरली मना कर रहा हूँ। क्यों मना कर रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों अगर आपके 25,000 रुपये मेहनत की कमाई के हैं, कीमती हैं, तो प्लीज़ वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा, नहीं तो हो सकता है आपने 25,000 रुपये एक गलत स्मार्टफोन को परचेज करने में वेस्ट कर दीजिएगा। तो सारी जानकारी के लिए बस आप इस वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा। और अगर मैं आपको वीवो वाई 200 प्रो 5G लेने से मना कर रहा हूँ, तो इसके जगह पर आपको कौन सा इससे बहुत ही ज़्यादा बेटर स्मार्टफोन लेना चाहिए वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बस वीडियो में तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Vivo Y 200 Pro 5G के जो है जल्दी जल्दी स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको 6.78 इंच का एक फुल HD प्लस वाला कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पे जो आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ला कर दिया गया। फ्लैट डिस्प्ले नहीं है, कर्व डिस्प्ले है। बहुत सारे लोगों को कर्व डिस्प्ले पसंद आता है, तो यहाँ पे भी कर्व डिस्प्ले दिया गया है। तो हाँ, एक टिपिकल सा नॉर्मल सा डिस्प्ले दिया गया है, कर्व एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बस सामने की तरफ जो है पंचोली स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले है, जहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ला कर दिया गया। चलो ये भी अच्छी बात है। बैक की तरफ बात करें तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आता है। एंड सेकेंडरी कैमरा यहां पे 2 मेगापिक्सल का है, जो कि बोके पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक करेगा। समझ नहीं आता है यहां पे क्या हो गया है कंपनियों को, मतलब 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यहां पे नहीं देना चाहिए था क्या? Vivo अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस तो देना चाहिए था ना, अपने वो कहाँ खा गए क्या? अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, बिल्कुल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होना चाहिए था, बट नहीं, यहाँ पे हमें 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिलता है। खैर आगे बात करें तो यहाँ पे और सुनिए क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, चलो अच्छी बात है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। बट यहाँ पे आपको 44W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। Vivo एटलीस्ट 66W तो डिजर्विंग था ये फ़ोन, 66W तो इस प्राइस पे आपको देना ही चाहिए था, बट नहीं, आपने कॉस्ट कटिंग करने के लिए 44W का चिप दिया। क्या सेंस बनता है इसका? कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, Qualcomm की तरफ से Snapdragon 695 देखने को मिलता है। चक्कर आ रहा है, अभी आपने रिसेंटली लॉन्च करा है अपना Vivo T3X5G, जहाँ पे आपने 12-13 हज़ार रुपये में क्या प्रोवाइड करा है? Snapdragon 6 Gen 1, उससे डबल प्राइसिंग पे ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, और आपने क्या प्रोवाइड करा है यहाँ पे? Snapdragon 695 25,000 रुपये में 2024 में। कौन सा माल फूकते हो भाई आप लोग, कौन सा माल फूके हो? एंड यहाँ पे आपको LPDDR4X वाला रैम टाइप एंड UFS 2.2 वाला स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाता है, बट प्रोसेसर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। खैर यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, 3.5mm जैक मिसिंग है, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, आप इसमें SD कार्ड वगैरह नहीं लगा सकते हैं। एंड यहाँ इस स्मार्टफोन जो आपको एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो ये रही स्पेक्स की कहानी यहाँ पे Vivo Y 200 Pro 5G की। प्राइसिंग पर नजर डालिए, एक ही वेरियंट लॉन्च करा गया है, 8+128, 256 भी नहीं, 8+128, जिसकी प्राइसिंग रख दी गई है 25,000 रुपीज। क्या सेंस बनता है 25,000 रुपए? खैर यहाँ पे ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि 2500 का आपको कैशबैक देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव प्राइस वो बन जाती है 22,500 रुपए। लिटरली 25,000 के प्राइस पे आप ये स्मार्टफोन को लॉन्च किए हो, कैशबैक वगैरह भी अप्लाई कर लेते तो 22,500 ही मान लेते हैं। क्या 22,500 रुपये के अकॉर्डिंग ये जस्टिफाई है? आप इसकी प्राइसिंग 19,999 रख देते ना, तो एक समय के लिए हजम कर सकते थे, एक समय के लिए हजम कर लेते। और 19,999 प्राइसिंग रखने के बाद भी आपको यहाँ पे बैंक ऑफर्स देने पड़ते, इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग जो है 18,000 के अंदर लानी पड़ती। भाई ये फ़ोन की प्राइसिंग अगर देखा जाए तो 16-17,000 से ज़्यादा डिजर्विंग है नहीं, 16-17,000 इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए थी। 16-17,000 में आप लॉन्च करो, बहुत अच्छा स्मार्टफोन साबित होगा, बट 25,000 रुपये में आप एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा प्रोवाइड करते हो, 25,000 में एक 44W का फास्ट चार्जिंग, 25,000 में स्नैपड्रैगन 695, ये तीन बड़ी कमियां हैं इस स्मार्टफोन को ना लेने के, और आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब बात आती है कि ये स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए तो कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो दोस्तों Vivo का ही ऑलरेडी इसी प्राइस पे अवेलेबल है Vivo T2 Pro 5G, आप जाकर ले सकते हो, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, हर चीज़ उसमें आपको इससे बेहतर देखने को मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप Vivo T2 Pro 5G ले लो। इनफैक्ट वहाँ पर आपको 8 प्लस
256 देखने को मिल जाता है 25,000 रुपए में, तो आप उसकी तरफ जाना, इसको सीधे इग्नोर करो, सीधे भूल जाओ, कोई सेंस ही नहीं बनता है इस स्मार्टफोन को लेने का। अगर आपके 25,000 रुपए कीमती है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना और आप जाकर T2 Pro 5G लेना, इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखना। खैर यही सब जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था Vivo Y200 Pro 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।